Guys, welcome back to the channel, and as you know that we are covering IGNOU's material पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का BA और MA का हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हम 11 यूनिट कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की। 12वीं यूनिट आज हम कवर करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियरल अप्रोच हर्बर्ट साइमन। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो बार बार हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियो देखिए, आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या कवर किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर को समझिए। जो क्लासिकल अप्रोच है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इट बेसिकली एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लासिकल अप्रोच फोकस ऑन द फॉर्मल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, वो इनफॉर्मल डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल डायमेंशन के अलावा ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। ठीक है, द ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल अप्रोच ब्रॉडली डील विद द मैन इन ऑर्गेनाइजेशन, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मैन को समझना अगर आप चाहते हैं तो आपको बिहेवियरल थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। हर्बर्ट साइमन एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, प्रेफरेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उन्होंने डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और ह्यूमन बिहेवियर उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है। ठीक है, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी जो थी, जहाँ पर आप फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फायोल, इनका जिक्र करते हैं क्लासिकल थ्योरी का, ल्यूथरन गुलिक, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। वहाँ पर आप पढ़ते हैं, जब आप क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर हर्बर्ट साइमन का जिक्र आता है। क्यों? क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और डिस्क्राइब्ड देम एज मेयर प्रोवर्ब। ये लोकोक्तियाँ बता दी गई, मुहावरे बताए उनको। उनका मानना था कि प्रिंसिपल्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड इनकन्सिस्टेंट, दे आर नॉट साइंटिफिकली वैलिड एंड डू नॉट हैव यूनिवर्सल एलिमेंट्स। तो ये समझ लीजिए क्लासिकल थ्योरी को किस तरीके से मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं। देन प्लेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मानना था एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, काम करवाने की कला को एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। बिहेवियरल अप्रोच में क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन दैट इज टू बी अंडरस्टूड इज द प्रोसेस दैट प्रिसीड्स एक्शन। कौन सी जो प्रोसेस है वो एक्शन से पहले आती है, वो आती है डिसीजन मेकिंग। आपको कोई काम करना, उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रिसीड्स द एक्शन। वट इज डिसीजन मेकिंग? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अल्टरनेटिव टू वन। यू हैव मैनी अल्टरनेटिव। वट इज़ डिसीजन मेकिंग? आपको कोई काम करना, यू हैव अ टारगेट, और उसको करने के लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास वो जो अल्टरनेटिव है उनको रिड्यूस करके आप सिर्फ एक अल्टरनेटिव पे ले आओ, वो क्या कहलाएगा? डिसीजन मेकिंग। आपने क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया कि मुझे अब यही पाथ फॉलो करना है। रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन सेलेक्टिंग सच एन अल्टरनेटिव विच कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट एंड मिनिमम नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बात की है, एक एग्जाम्पल दिया है दैट अगर कोई मान लीजिए लड़ाई होगी इन अ वॉर, द सोल्जर फाइट इन द बैटल फील्ड। ठीक है, वो क्या होता है, वो अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है वॉर की, वो फॉर्मुलेट की जाती है बाय द जनरल्स हु आर नॉट एंगेज्ड इन द एक्चुअल बैटल। वो डिटरमाइन द आउटकम ऑफ बैटल्स, यानी कि जिन्होंने एक्चुअल में वॉर स्ट्रेटजी बनाई है उसके ऊपर एक हद तक डिटरमाइन करता है, लेकिन एक्चुअल जो काम करते हैं वो भी अपने लेवल पर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। चॉइस इन बिहेवियर का यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा वैल्यू एंड फैक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, आप ये रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो लेक्चर देखिए, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। हायरार्की ऑफ डिसीजंस में उन्होंने दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताई है बिहेवियरल अप्रोच की, वो है पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यू इन द डिसीजन मेकिंग। रैशनैलिटी की बात की है उन्होंने, बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया है। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब एक इंसान कंप्लीट रैशनल नहीं हो सकता, तो वो अपने लेवल पे रैशनल होने की कोशिश करता है, जिसको बाउंडेड रैशनैलिटी माना है। यहाँ पर उन्होंने सेटिस्फाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस क्या होते हैं? प्रोग्राम्ड मतलब जो आप डेली करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो डेली रूटीन का काम होता है उसको प्रोग्राम्ड बोलते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड, कोई सडन सिचुएशन अराइज हो गई तो उसको नॉन प्रोग्राम्ड बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग क्या है, क्या स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारा का सारा जो है वो डील किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो द डिस्कशन इंडिकेट्स दैट फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इट इज़ नीदर द स्ट्रक्चर नॉर द ह्यूमन रिलेशन बट इट इज़ द डिसीजन मेकिंग दैट शुड बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग हैं, उनका मानना है कि न तो स्ट्रक्चर न ही ह्यूमन रिलेशन बल्कि डिसीजन मेकिंग है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एडिक्वेट बिहेवियरल, ये आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इट विल हेल्पफुल। ओके, बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है, वैल्यू फ्री और न्यूट्रल अप्रोच जो कहता है, ये कहता है कि वैल्यू फ्री होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट हेल्पफुल, ठीक है। मान लीजिए कोई चोर चोरी कर रहा है और वो सही तरीके से कर रहा है बट उसका जो मोटिव है वो सही नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ बिहेवियरल अप्रोच डील नहीं करता, इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत कम है, ठीक है। इसके आपने जो करने हैं वो आप इसके कीवर्ड्स देख लीजिएगा। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू साइमन ह्यूमन बिहेवियर इज नीदर टोटली रैशनल नॉट टोटली नॉन रैशनल, इट हैज़ इट्स लिमिट, और उसी को बाउंडेड रैशनैलिटी का कहा गया है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर वो कहा गया है व्हेन देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर एट द सेम लेवल, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल क्या होता है? जब हायरार्कियल डिवीजन ऑफ लेबर होता है स्किल और नॉलेज पे बेस्ड, तो उसको क्या कहेंगे हम? वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो लिंक आपको मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाकर के ज़रूर देखना है।